गुरु गुरु ज्ञान दीप की ज्योति से मन आलोकित कर देते हैं, विद्या का धन देकर जीवन सुख से भर देते हैं। प्रणाम गुरु को जो ज्ञान की खुशबू से जीवन भर देते हैं। वे टू लर्न टीम की तरफ से सारे शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम के छोटे से गांव छोटा गदरा जा रहे हैं। वहां हम बच्चों से मिलेंगे और उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे टू लर्न टीम की तरफ से सारे शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वे टू लर्न टीम विशेज यू अ हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ द टीचर्स। शिक्षक ही व्यक्ति को सही जीवन जीने और संघर्षों से लड़कर जीतना सिखाता है। शिक्षक का स्थान किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वोपरि है। इसलिए कहा गया है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना संसार नहीं और संसार के बिना आपका अस्तित्व नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, शिक्षक मतलब गुरु होता है और इस दुनिया में सबसे पहला गुरु का दर्जा आपके माता पिता को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको जीवन में पहली बार चलना बोलना खाना ये सारे सिखाए हैं। इसलिए आज के दिन मैं सभी माता पिता को नमन करना चाहूँगा। साथ ही साथ आपको यह भी बोलूँगा कि आप उनसे ज़रूर आशीर्वाद लें। साथ ही हम सर्वपल्ली राधा कृष्णन को याद करते हैं इस दिन और शिक्षक दिवस में उनको नमन करते हैं। आज 5 सितंबर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी को भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये मदर टेरेसा का डेथ एनिवर्सरी होता है। ज्ञान का प्रसार करना शिक्षकों का परम कर्तव्य होना चाहिए, इसलिए कर्तव्यों का पूरा करने के लिए हम लोग आ पहुँचे हैं छोटा गदरा गांव में और यहाँ हम बच्चों से मिलेंगे। आ जाते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? विद्या समाज। कौन क्लास में है? फाइव क्लास में। अभी तो स्कूल बंद है, तो कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? पढ़ाई अच्छी हो रही है मतलब? आपको क्या बनना है जीवन आगे? डॉक्टर बनना। और आज कौन सा दिन है आपको मालूम है? आज है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? आज मनाते हैं इसके यानी कि कौन हमारे शिक्षक ज्यादा नहीं जानते कोई बात नहीं। आज शिक्षक दिवस मनाते हैं इतना जानते हैं। चलिए और भी बड़े बड़े लोग हैं तो मैं उनसे बात करूँगा। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं, ये देखिए प्यारे बच्चे हैं सारे। मैं बात करूँगा तो अभी तो स्कूल सारे बंद है, तो पढ़ाई हो रही है आपकी ऑनलाइन पढ़ाई पर? ये बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं। तो आपको जीवन में क्या बनना है आगे चल करके? तो डिसाइड नहीं किए अपना यानी लक्ष्य आप डिसाइड नहीं किए, क्योंकि बिना लक्ष्य से कोई काम नहीं होगा। तो आप लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। और आज कौन सा दिन? शुक्रवार। शनिवार है। चलिए आज शनिवार है, लेकिन आज कौन सा शिक्षक दिवस है? आज शिक्षक दिवस है, ठीक है। और एक तो दिवस है आज कौन सा दिन है? मैं नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। आज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है, ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं तो मैं सारे बच्चे से तो नहीं बात कर पाऊंगा। क्या नाम है आपका? भूमि कोंकल। कौन क्लास में है? फाइव में। और कौन स्कूल में पढ़ते हैं? सेंट रॉबर्ट में पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लास हो रही है? हो रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन क्लास हो रही है क्योंकि आपका शिक्षा अभी रुका नहीं है, शिक्षा आपका चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं?
मरीजों को ठीक करते हैं क्या? मरीजों को ठीक करते हैं, हम लोग को देखभाल करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप डॉक्टर बनेंगे, पूरे मेहनत करेंगे। और भी बच्चे सारे हैं तो मैं इनसे बात बहुत अच्छी बात है और आप जो मेन प्रोफेशन है उसे छोड़कर ये फुटबॉलर बनना चाहेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये आगे चल के रोनाल्डो रोनाल्डो को जान रहे होंगे, रोनाल्डो मेसी ये सारे को तो जान रहे होंगे आप, तो मैं आशा करता हूँ रोनाल्डो मेसी जैसा ही एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर बनकर दिखाएंगे। चलिए इसके बाद मेरे सहपाठी हैं, वो बात करेंगे, सारे बच्चों से बात करेंगे, तो ये मैं माइक उनको दे रहा हूँ। अजी आप लोग और कोई इंटरेस्टेड कुछ बोलेंगे? कोई कुछ नहीं बोलेंगे? आजी ये कुछ बोल दीजिए टीचर जी के बारे में। आप बोलिए, आप बड़े लग रहे हैं। आप बोलिए, आप क्या नाम बोलते हैं? पिता पिता और अच्छा आप क्या बनेंगे? इंजीनियर बनेंगे, बहुत अच्छा इंजीनियर बनेंगे जिसका भी सौजन होगा। और देखिए इतना सारा बच्चे हैं, किन किन से मैं बात करूँगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। और आप आइए, इधर आइए, आप आइए, चले कोई बात नहीं। चलिए मैं हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे गांव के व्यक्ति से। जी अपना नाम बताओ। बच्चे लोग यहाँ स्कूल जाते हैं, अभी तो पढ़ाई बंद है, अपने रिश्ते में विचार है कि बच्चे लोग का पढ़ाई हो पा रहा है। आए नहीं कमाने के लिए जो पैसा आता था पहले, जिस तरीके से कमा पाते थे उस तरीके से अब कमा नहीं पा रहे हैं। ठीक है बोलिए, सी सी क्या है? इसे कहीं बनवा ये लास्ट क्या आ रहा? जी आ रहा है, इसे बोलिए। हां अभी पर अच्छा जो ये पर बोलती हूं, नहीं बोलना एकदम बहुत अच्छा। लास्ट क्या आ रहा? जी जी आ बात कर लेते हैं, गार्जियन से भी बात कर लेते हैं, बच्चे लोग के गार्जियन से, उनका क्या कहना है इस लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई जो बाधित हुआ है, पढ़ाई बाधित हो गया है। 6 महीने से लगातार लॉकडाउन का सिचुएशन है जिसमें 6 महीने से लगातार स्कूल बंद है, तो मैं बात करूंगा उन गार्जियन से जिनका क्या कहना है, पूरी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या बच्चे लोग अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको कैसा लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ना ठीक है कि ऑफलाइन ठीक रहता है? आजकल का बच्चा तो वही है ना कि मोबाइल लगा होना, मोबाइल में कभी अपना कार्टून अपना वही सब मांग रहता है, तो कोई नहीं होता है। वैसे भी आखिर मतलब 6 महीने का सीखा है,
शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर वे टू लर्न टीम की तरफ से सारे बच्चों को एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है।